नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के इस रंग बिरंगे त्योहार में जो है सभी 10 टीमों ने अपनी रंग बिरंगी जर्सीज पर भी जो है अंतिम मोहर लगा दी गई है, क्योंकि जर्सीज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रंग बिरंगी जर्सीज आपको जो है सभी 10 टीमों की देखने को मिलने वाली है और हर साल टीमें फ्रेंचाइजीज जो है काफी अट्रैक्टिव और यूनिक पैटर्न के साथ जो है जर्सीज के साथ आईपीएल 2024 में उतरती है और जर्सीज का भी जो है बहुत ज्यादा महत्व हमें आईपीएल में हर साल देखने को मिलता है। तो आप भी जो है मतलब काफी ज्यादा उत्साहित होंगे सभी 10 टीमों की जर्सी देखने के लिए, वो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की जर्सी जो है किस तरह की आपको देखने को मिलने वाली है, फाइनल रिपोर्ट उस पर भी आ चुकी है। तो सभी 10 टीमों ने जर्सी तो लॉन्च कर दी गई है और आपको जो है इस वीडियो में मतलब असलियत जो है देखने को मिलने वाली है। ओरिजिनल जर्सी जो है किस तरह की रहने वाली है सभी 10 टीमों की, हम जो है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और रेटिंग और रैंकिंग भी करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन हो, 2024 के आईपीएल का अपनी सबरी से इंतजार कर रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाए। फटाफट से शुरू करते हैं, चलो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द कोलकाता नाइट राइडर्स टीम। तो केकेआर की टीम की जर्सी आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपनी जर्सीज पर जो है अंतिम मोहर लगा दी गई है। श्रेयस अय्यर, कैप्टन श्रेयस अय्यर को जो है आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे। रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, गौतम गंभीर, मतलब जर्सी लॉन्च इवेंट जो है केकेआर की टीम ने रखा गया था और उसमें जो है केकेआर की टीम की जर्सी लॉन्च हो चुकी है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक जर्सी जो है इस साल आपको केकेआर की टीम की देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लाइनिंग वाली डिजाइन देख पा रहे होंगे काफी सही लग रही है। लक्स कोजी ड्रीम इलेवन इनका जो है मतलब प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन चुका है, मतलब टाइटल स्पॉन्सर माफ करना। और केकेआर की टीम की जर्सी पर जो है दो स्टार भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि उनके जो है खिताब जीते हुए हैं 2014 और 12 में। तो काफी अच्छी केकेआर की टीम की जर्सी लग रही है और केकेआर की टीम की जर्सी को जो है मैं मतलब 8 की रेटिंग देता हूँ। आप भी अपनी रेटिंग जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हेक्सागोनल शेप काफी अट्रैक्टिव जो है मतलब लग रहा है केकेआर की टीम की जर्सी में। केकेआर की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं हम पंजाब किंग्स की टीम की जर्सी की। तो पंजाब किंग्स की टीम की जर्सी भी जो है मतलब लॉन्च हो चुकी है, काफी अच्छा इवेंट इन्होंने भी जो है ऑर्गेनाइज किया था। प्रीति जिंटा, शिखर धवन और काफी सारे बड़े बड़े जो है एक्ट्रेस को जो इन्होंने शामिल किया था और पंजाब किंग्स की टीम की जर्सी भी जो है इस बार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है। रेड कलर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर जो है ब्लू कलर का लोअर जो है मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने पुराना पैटर्न रखा गया था व्हाइट लोअर और रेड जर्सी, उसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ जो है पंजाब किंग्स की टीम की जर्सी आपको इस साल भी देखने को मिलने वाली है। और हेक्सागोनल शेप आप जो है मतलब नीचे साइड देख पा रहे होंगे, ड्रीम इलेवन इनका जो है टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है, प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पर आपको कैंट आरो देखने को मिलने वाला है। तो पंजाब की टीम की जर्सी भी अच्छी नजर आई। बात कर लेते हैं फाइव टाइम साइकिल चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी की। तो मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी भी आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे। मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी का कलर हमेशा सेम रहता है लेकिन टेक्सचर में जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। तो मुंबई इंडियंस की टीम के टेक्सचर भी जो है काफी ज्यादा कमाल के नजर आ रहे हैं, मतलब आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे टेक्सचर के साथ जो है मुंबई इंडियंस की टीम दिख रही है। स्लाइस इनका जो है टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है, 3 साल की डील हुई थी। उसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक प्रिंसिपल स्पॉन्सर देखने को मिलने वाला है। मुंबई इंडियंस की टीम में जो है मतलब 5 स्टार यहाँ पर अगर होते तो थोड़े बहुत जो है और अट्रैक्टिव नजर आती जर्सी, लेकिन गाइज मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी हमेशा की तरह जो है इस बार भी बहुत अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि गाइज ज्यादा चेंजेस करने पे ये भी भरोसा नहीं रखती है। गोल्डन कलर की स्वीप नजर आ रही है, अच्छी लग रही है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव माफ करना, काफी सारे प्लेयर जो है मतलब नजर आ रहे हैं। तो MI की टीम की जर्सी को 7 की रेटिंग यहाँ से जाती है मुंबई इंडियंस की टीम के बाद। अब बात कर लेते हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है ज्यादा बदलाव पे भरोसा नहीं रखती और जर्सी भी जो है मतलब हमेशा की तरह इनकी सेम रहती है। तो चेन्नई की लिस्ट मतलब माफ करना जर्सी जो है आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे। चेन्नई ने जो है यहाँ पर 5 स्टार दर्शाया है, तो क्योंकि गाइस 5 बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी है, इनफैक्ट डिफेंडिंग चैंपियन रह चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की जर्सी भी बहुत अच्छी नजर आ रही है, यहाँ पर कैमोफ्लाज आपको नजर आ रहा है और गल्फ यूरोग्रिप PVS यूरोग्रिप जो है इनका मतलब टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की जर्सी को जो है पूरी 10 की रेटिंग जाती है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी लेगेसी को बरकरार रखा है, जिस तरह से जो है अपने मतलब चेष्टा को जो है बरकरार रखा है, महेंद्र सिंह धोनी महान कप्तान है इनके, तो चेन्नई की टीम को तो मतलब निश्चित तौर पर 10 की पूरी रेटिंग जाती है। आपको क्या लगता है गाइस बता सकते हो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम रजवाड़े यानी कि राजस्थान रॉयल दाल बाटी चूरमा की। तो दाल बाटी चूरमा की जर्सी भी आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे। राजस्थान रॉयल्स की टीम की जर्सी में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, क्योंकि गाइस पिछले 2-3 सालों से राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है बहुत ज्यादा भारी चेंजेस करती है और इस साल भी जो है आपको थोड़ा बहुत राजस्थानी वाला पैटर्न जो है देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से टेक्सचर नजर आ रहा है गाइस
आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे हैं। ये जर्सी में जो है नीचे टेक्सचर नजर आ रहे हैं, पर्पल कलर का इस्तेमाल किया गया है। लुमिनस जो इनका टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है और राजस्थान रॉयल्स की टीम में मतलब आपको जो है काफी सारे प्लेयर्स भी जो है नजर आ रहे होंगे। युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, ट्रेंट बोल्ट, काफी सारे मतलब स्क्वाड भी तगड़ा है। जर्सी भी जो है अच्छी नजर आ रही है और पिछले 2-3 सालों से परफॉर्मेंस भी अच्छा आ रहा है। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम की जर्सी को कितनी रेटिंग दोगे आप, फटाफट से नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपनी रेटिंग राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद। अब बात कर लेते हैं हम दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो दिल्ली की टीम भी जो है मतलब राजस्थान की तरह काफी बड़े बड़े बदलाव के साथ जो है जर्सी में उतरती है और इस साल भी आपको जो है बहुत बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है टेक्नोलॉजी का जो है बहुत यहाँ पर जो है टेक्सचर में इस्तेमाल किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो है इनके भी टेक्सचर देख पा रहे होंगे, मतलब बहुत अच्छी जर्सी नजर आ रही है। हीरो फिनकॉर्प इनका नया टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है। 3 साल की जो है मतलब 132 करोड़ में मतलब डील हुई है इनकी और ग्रीन पैनल जो है प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। जियो है, प्यूमा है, प्यूमा जो है मतलब इनकी जर्सी स्पॉन्सर रहने वाली है। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की जर्सी भी अच्छी नजर आ रही है, ब्लू कलर का इस्तेमाल है, रेड कलर का यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत टेक्सचर है। और दिल्ली की टीम की जर्सी को 7 की रेटिंग जाती है। आप कितनी दोगे गाइस, आप भी अपनी रेटिंग जो है फटाफट से लिखते जाइए। सबकी रेटिंग को जो है मतलब मैं हार्ट दूंगा, फटाफट से लिखते जाइए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो हैदराबाद की टीम की जर्सी जो है थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया है उन्होंने साउथ अफ्रीका T20 लीग से, क्योंकि गाइस पिछले 2 सालों से जो है चैंपियन बनते हुए आ रही है। तो हो सकता है कि इस बार जो है मतलब इंडियन प्रीमियर लीग में ये जर्सी कमाल दिखा दे, क्योंकि लकी साबित हो जाए, हो सकता है कुछ नसीब हो। तो यहाँ पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जो है थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका T20 लीग वाला फ्लेवर लिया है और उस तरह से जो है मतलब जर्सी बनाई आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भुवनेश्वर कुमार जो है इसमें नजर आ रहे हैं और मतलब अच्छी लग रही है, यूनिक पैटर्न है, बहुत अच्छा लग रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की जर्सी को जो है पूरी 10 की रेटिंग जाती है मेरी तरफ से, क्योंकि गाइस बहुत अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है यार, मतलब मजा आ गया। ड्रीम 11 इनका भी टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है और कुहल फैन जो है प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पर आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। तो लखनऊ की टीम में जो है मतलब ज्यादा बदलाव नहीं होने वाले रिपोर्ट्स के मुताबिक। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 2023 के आईपीएल में जो है अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया गया था और इन्होंने जो है मतलब कुछ अलग कलर से जो है पर्पल कलर में अपनी जर्सी को जो है तब्दील किया था और उसी तरह की जर्सी के साथ जो है आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस साल के आईपीएल में भी दिख सकती है, क्योंकि गाइस आप अपनी स्क्रीन पर जो है केएल राहुल की फोटो देख पा रहे होंगे और माई 11 सर्कल इनका जो है टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है। और एलएजी की टीम की जर्सी भी अच्छी नजर आ रही है, ऑरेंज कलर का भगवा रंग का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। टेक्सचर भी जो है मतलब बहुत ज्यादा यूनिक है। तो आरआर की टीम मतलब माफ करना एलएजी की टीम की जर्सी भी अच्छी नजर आ रही है। अब आवादे यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम की बात कर लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस की टीम की जर्सी में भी जो है ज्यादा बदलाव नजर नहीं आने वाले हैं। ड्रीम 11 का टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है और पिछले साल की तरह जो है सेम जर्सी एज इट इज नजर आने वाली है। गुजरात टाइटंस की टीम ने भी ज्यादा बदलाव नहीं करे पिछले 2 सालों में। और शुभमन गिल कैप्टन को जो है आप अपनी स्क्रीन पर जो है जर्सी में देख पा रहे होंगे। डेविड मिलर, शुभमन गिल, राशिद खान पूरी तरह तैयार है आईपीएल 2024 में फाड़ने के लिए। और आईपीएल 2024 के लिए मतलब गुजरात टाइटंस की टीम की थोड़ी बहुत जो है टीम मेरे हिसाब से वीक नजर आ रही है, लेकिन जर्सी कमाल दिखाती है या फिर नहीं वो तो मतलब समय ही बताएगा। लेकिन आपको जर्सी कैसी लगी गुजरात टाइटंस की टीम की, आप भी अपनी राय जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थोड़े बहुत जो है यहाँ से पैटर्न में चेंजेस नजर आए हैं गुजरात टाइटंस की टीम की जर्सी में और यहाँ पर स्टार भी जो है ऐड हो चुका है और वो तो 2023 में ही हो गया था आई थिंक। बट नॉट द लिस्ट हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की जर्सी के बारे में। तो आरसीबी की टीम की जर्सी आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे। आरसीबी की टीम का अनबॉक्स इवेंट जो है फिनिश खत्म हो चुका है और आरसीबी की टीम की जर्सी भी इस साल जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है। यहाँ पर जो है आप डिजाइन देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा डिजाइन नजर आ रहा है। और आरसीबी की टीम की जर्सी को आप कितनी रेटिंग दोगे, आप भी अपनी राय जो है फटाफट से नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो गाइस ये तो थी 10 टीमों की जर्सी जो कि मैंने आपको बता दी, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बताई है और काफी अच्छी तरीके से समझाया है। तो आप भी अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रेटिंग जो है लिख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। बाय बाय।